नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद जैसे हालात बन रहे हैं उन पर भारत नजरें बनाए हुए है। भारत अलग अलग देशों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में रूस के साथ बातचीत हुई है। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत दौरे पर अजीत डोभाल से बातचीत की। भारत रूस दोनों ने चेताया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठन कर सकते हैं। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एनएसए ने अजीत डोभाल से बातचीत की और इस दौरान भारत और रूस का मानना है कि अफगानिस्तान से जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं वो आसपास के इलाके के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी खतरा पैदा कर सकते हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि तालिबान ने दुनिया को जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। मानव अधिकार की बात हो, महिलाओं के हक की बात हो और सबसे अहम कि किसी दूसरे देश के आतंकी संगठन उसकी जमीन का इस्तेमाल ना कर पाए। एक अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन मौजूद हैं जो भारत समेत आसपास के इलाकों के लिए खतरा है। भारत को डर है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना करें। ऐसे में पाकिस्तान की ISI का तालिबान के साथ संबंध होना भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अफगानिस्तान को लेकर भारत रूस में बातचीत लगातार जारी है। भारत अलग अलग देशों के साथ चर्चा भी कर रहा है। यूपी में रहस्यमय बुखार से हाहाकार मचा हुआ है और अब ये बुखार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में वायरल बुखार के संकट जो हैं वो गहराते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में वायरल बुखार से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो सच्चाई छिपा रहे हैं, वो आंकड़े छिपा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर। लोगों का रो रोकर हार बेहाल है। मासूम बच्चे इस वायरल बुखार की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। कई बच्चों की जान जा चुकी है, कई बच्चे अब भी गंभीर स्थिति में अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है और कई अस्पतालों की हालत ऐसी है कि एक बेड पर 3 से 4 बच्चे अपना इलाज करा रहे हैं। और वहीं उनके परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं हैं, ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो राज्य के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इसका कहर टूटा है। सबसे ज्यादा संकट फिरोजाबाद में है जहाँ 55 की मौत हो चुकी है और अभी वहाँ करीब 400 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। तो वहीं आसपास के जिलों में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। कासगंज और एटा में भी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में बड़ा अभियान चलाया गया है। वायरल बुखार की चपेट में आए 58 जनपदों के साथ साथ सभी 75 जिलों में घर घर टीमें पहुंच रही हैं, बुखार से संबंधित जानकारी भी ले रही हैं, दवा भी दे रही हैं और जो गंभीर हैं उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई टीमें भी बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में जाकर काम कर रही हैं। तो यूपी में वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई मामले सामने आ चुके हैं, 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ये तो वो आंकड़ा है जो स्पष्ट है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं जो निजी अस्पताल हैं जिनके आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। उन पर कार्रवाई होगी जो अस्पताल आंकड़े नहीं बता रहा है। वहीं वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं उसकी बानकी इन तस्वीरों में नजर आ सकती है। एक ही अस्पताल में एक ही बेड पर करीब करीब 4-4, 5-5 बच्चे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बेहद कम है और अगर फॉगिंग की बात की जाए तो फॉगिंग नहीं की जा रही है, साफ सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी का अंबार कई जिलों में लगा हुआ है। ऐसे में वायरल बुखार का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये वायरल बुखार डेंगू जैसा ही है, डेंगू जैसे लक्षण ही है, क्योंकि डेंगू भी लगातार प्रदेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कहा जा सकता है कि वाकई भले ही सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सिर्फ 3 जिलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जिले ऐसे भी हैं जहां पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपके सामने। यूपी में वायरल बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है, 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। वहीं संभल के थाना रजपुरा इलाके में गंगा में डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना बुधवार शाम की है, जब मछली पकड़ते समय अधेड़ गंगा में डूब गया। यहां गोताखोरों की मदद से अधेड़ का शव शुक्रवार को गंगा से निकाल लिया गया। दरअसल रजपुरा थाना क्षेत्र के गाँव केशरपुर निवासी नरेश कुशवाहा बुधवार की शाम मछली पकड़ने के लिए देवपुर गंगा तट पर गया था। यहाँ वो मछली पकड़ने के लिए गंगा में उतरा था, जिस दौरान यह हादसा हो गया और गंगा में डूबने से उसकी मौत हो गई। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र में देर रात ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई है। ये पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवक ने हत्या को अंजाम देने के बाद कहा है कि आज के बाद परिवार की बदनामी नहीं होगी। हत्या के बाद आरोपी भाई तमंचे सहित मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद आला कत्ल के साथ भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ का ये पूरा मामला और जहां पर ऑनर किलिंग की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सगे भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और ये कहते हुए फरार हो गया कि अब परिवार की बदनामी नहीं होगी। आला कत्ल के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र सरधना के इस्लामाबाद मोहल्ले में आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा अपने बहन की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला इस तरीके का है कि लड़की के प्रेम प्रसंग की बात निकल कर आ रही है और अंदर गहनता से जांच की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल जो है उसे बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये लड़की मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ और ये दो बच्चे जो हैं ये हमारे पास ही रहते थे बचपन से, भांजा भांजी। और इस लड़की का जो है किसी लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला हो गया था, उसकी वजह से इसके भाई को जो है शर्म आ रही थी कि मुझे समाज में मैं सर उठाने लायक नहीं हो रहा। इस वजह से रात को सब सो रहे थे और उसके भी सोती हुई की गोली मार दी। आपको कैसे पता चला कि गोली कैसे पता चला? बस सब सो रहे थे, एकदम धमाका हुआ है, हमारी एकदम आँख खुली और वो गोली मार के भाग लिया। वहीं मथुरा के राया पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों में अपराधियों पर लगाम चलाने के लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके पहुंची है। पकड़े गए आरोपी के पास से कुछ नकदी और सट्टा भी बरामद हुआ है। बता दें कि भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश ने कस्बे में चल रहे जुआ सट्टा, वैध मिट्टी खनन, नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए आरोपी नीरज अग्रवाल का कहना है कि पुलिस ने मुझे थाने पर फोन कर बुलाया था, मैं वहीं थाने पहुंचा था, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं नीरज अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए सट्टे से जुड़े कारोबार से भाजपा के मंडल अध्यक्ष के भाई सहित अन्य सट्टा कारोबारियों के नामों का खुलासा किया। वहीं नीरज अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष के धरने के दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो सट्टा चोरी और नशे का कारोबार करते थे, कुछ तो अभी जेल से छूट कर आए हैं और थाना परिसर में लगी हिस्ट्री शीटरों के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से सख्त है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनीति का शिकार हूं मैं, जो राकेश बंसली ने धरना दिया था उसमें थाने में जो माननीय श्री पूरन प्रकाश जी बलदेव विधायक हैं, उन्होंने सट्टे वालों के खिलाफ कार्रवाई चालू कराई थी, उसमें मैं पहले दिन ही पुलिस ने पकड़ लिया। अब मैं आशा करता हूं पुलिस से, जो सुभाष बंसल जी हैं राकेश बंसल जी के बड़े भाई, वो राया में मशहूर हैं, सट्टे के नाम से जाने जाते हैं, 3 जिलों के मालिक हैं वो सट्टे के काम में। फतेहपुर के हदगांव थाने के मोहम्मदपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बकरी चराने गए दो मासूम तालाब में डूब गए, जिसके बाद जैसे तैसे ग्रामीणों ने एक मासूम की जान बचा ली, जबकि दूसरे मासूम के तालाब में डूबने से जान चली गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर का एक पूरा मामला, जहाँ पर दो मासूमों के तालाब में डूबने से हड़कंप मच गया, जैसे ही इसकी सूचना
पुलिस को लगे, पुलिस मौके पर पहुंचे, गोताखोरों की मदद से एक मासूम को बचा लिया गया है, लेकिन एक की तालाब में डूबने से जान चली गई है। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है जहां पर दो मासूमों के तालाब में डूबने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों की गोताखोरों की मदद से एक मासूम को तो सकुशल बचा लिया गया है, लेकिन एक मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार की बात की जाए तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां शिकायतकर्ता की शिकायत पर बुधवार को जिला प्रशासन बिरौना थाना क्षेत्र के बुधपुर नहर के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा। सबसे आश्चर्य की बात तब हुई जब शिकायतकर्ता खुद नहर की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए था, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मकान को भी ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कई थानों की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था के मौजूद रही। और बता दें कि शिकायतकर्ता बुधपुर निवासी चंदन यादव ने जिले के आलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि नहर के पास लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके बाद जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर बुधवार को जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इसी बीच तब अफरा तफरी मच गई जब एक युवक जल समाधि लेने बीच नहर में कूद गया। युवक का कहना था कि शिकायतकर्ता द्वारा खुद नहर की जमीन अतिक्रमण कर मकान बनवाया गया और अगर प्रशासन शिकायतकर्ता से जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाएगा तो वो जल समाधि ले लेगा। इसी दौरान एक अन्य युवक भी नहर में कूद गया, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने युवक को बाहर निकाला। फिलहाल प्रशासन के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रही। गाजीपुर का एक पूरा मामला जहां पर शिकायत पर अतिक्रमण हटाने प्रशासन पहुंचा, लेकिन शिकायतकर्ता खुद अतिक्रमण किए हुआ था, जिसको लेकर दो युवक जल समाधि करने के लिए नहर में उतर गए। ये सर क्या बोलता है उसको, नहीं नहीं नहीं, अतिक्रमण का मामला है। जब अगर अभी आप देखे हैं कि नहर में कूद गए थे, किस बात को लेके? 27 फीट उधर से है सर, तो नहर के मध्य से भी इधर भी 27 फीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आखिर क्या कारण हुआ है कि आप जल समाधि लेने चले हैं? मेरी बात जो है तहसीलदार साहब नहीं मान रहे कि नहीं, मैं यही 27 मानूंगा। ये कैसे होता है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी तो 27 नहर के मध्य से होना चाहिए ना। पूरी कार्रवाई मेरा प्रशासन पूरी एक तरफ की कार्रवाई कर रही है। क्या बोले हैं? किसी के दबाव में हम नहीं करवाएंगे। एक तरफ 27 फीट या 27 मीटर या 27 फीट जो हमने नाप दिया है, नाप दिया है। यहाँ पे IGRS में और माननीय सिंचाई मंत्री जी के यहाँ से बार बार ज्ञापन कर रहे थे कि हटाने के लिए उसी उसमें आज प्रशासन मिला है और पुलिस बल भी मिली है। बुलंदशहर में शहर की जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर बुलंदशहर के व्यापारियों ने सड़कों पर तंबू गाड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क की बदहाल स्थिति के चलते आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। वहीं व्यापारियों की मांग है कि जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाई जाए और सड़कों से डिवाइडर हटाए जाए। इसके साथ ही व्यापारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि नगर पालिका और कलेक्ट्रेट पर भी व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बुलंदशहर की तस्वीरें, जर्जर सड़कों पर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहा। सड़कों की मरम्मत कराने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सड़कें दुरुस्त नहीं होती हैं तो उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जर्जर और खराब सड़कों की हालत को देखते हुए प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों में खासा रोष देखने के लिए मिला है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि इस वजह से तमाम हादसे हो रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते छात्रों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। जहां बीती रात तेज बारिश से नदी का पानी अचानक सड़कों पर उतर आया और सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसके बाद स्कूल जा रही छात्राएं घंटों तक सड़क पर खड़ी पानी कम होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सड़क पर पानी का जलस्तर कम नहीं हुआ, जिसके बाद छात्रों को वापस अपने घर लौटना पड़ा। वहीं किसानों की माने तो आए दिन पानी आने से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, साथ ही किसान और राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़कों को पार करने के लिए मजबूर हैं। जिले के अफजलगढ़ बनेली शाहपुर जमाल इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजनौर से, जहां पर सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि कहां सड़कें हैं और कहां नदी है।
पता कर पाना बेहद मुश्किल है। फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जो खेत हैं वो पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। बनेरी नदी है, यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है लोगों को आने जाने में, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो आते जाते हैं तो वो भीग जाते हैं, जिससे कि काफ़ी समस्या हो जाती है। कितना कितना पानी चलता है? काफ़ी पानी चलता है, कमर से ऊपर चलता है पानी, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है, और छोटे छोटे बच्चे तो डूब भी जाते हैं इसमें, जिन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। माँ बाप जो है बच्चों को अकेले नहीं भेज पाते हैं, और उनके साथ आना पड़ता है, उनका समय बर्बाद होता है। हम इसमें कहना क्या चाहेंगे, हर वर्ष में ही हम अपनी लखनऊ सरकार तक विभाग को हर बार सूचना देते रहते हैं, समय समय पर सूचना देते हैं कि ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका और इस पर भाई कोई कार्य कराएं, और ये अधिकारियों संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करा दिया, कुछ उधर करा दिया, किसी इधर करा दिया, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन, कि भाई यहाँ पर तो आपके टाइल लगवा देंगे, इसको हाइट बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, ऐसा करा देंगे वैसा, लेकिन आज तक यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत मिट्टी कार्य होता है, लेकिन इससे संतुष्टिजनक कोई कार्य नहीं होता। हर बार हमें धोखा दिया जाता, और ये वो जो बंदा है पूरा यहाँ से लगाकर ये मीरापुर 500 मीटर, 500 मीटर लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जगह जगह पर पानी रिसाव हो रहा है, और ये लोग हमें गट्टे लगवाने का आश्वासन दे रहे हैं। अंबेडकर नगर के SN इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक शिक्षक वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे थे। शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते वे धरने पर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते बीते 3 महीनों से शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा। जिले के इदईपुर आलापुर स्थित SN इंटर कॉलेज का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर की तस्वीरें, जहां पर वेतन न मिलने पर धरने पर शिक्षक बैठे हुए हैं। 3 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से लगातार वो परेशान हैं और धरना दे रहे हैं। संभल के थाना रजपुरा इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिसी गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल हो गया है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश दिनेश सिंह गुन्नौर कोतवाली इलाके के थाना नूरपुर का निवासी है, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। पुलिस लंबे समय से बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी। मामले में SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि दिनेश यादव संभल जनपद के टॉप 10 अपराधियों में नंबर 1 का अपराधी है। गुरुवार सुबह राजपुरा पुलिस को उसके क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। उसके बाद गंगा किनारे उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान उसे पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि दिनेश पर संकट के अलावा निकट के सीमावर्ती जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी 2 साल पहले भी लूट के मामले में वांछित था। वहीं सिद्धार्थनगर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ही स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के धज्जे उड़ाता नजर आ रहा है। बता दें कि खबर शहर के जिला अस्पताल की है, जहां इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर न मिलने से तीमारदार अपने मरीज को उठाकर इलाज के लिए जाने के लिए मजबूर है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर तीमारदार अपने मरीज को हाथों में उठाकर ले जाने को मजबूर है। ना तो उन्हें स्ट्रेचर मिला है और ना ही एम्बुलेंस। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हालत में है। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो यहां से तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं अस्पतालों की लचर व्यवस्था के, और ये वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं, कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। एक और मामला सामने आ गया है, जहां पर तीमारदार अपने मरीज को हाथों में उठाए हुए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो इन्हें एम्बुलेंस नसीब हुई है और ना ही स्ट्रेचर अस्पताल में ले जाने के लिए मिला है। ऐसे में मजबूर होकर इन परिजनों ने खुद ही अपने मरीज को उठाया और अस्पताल के अंदर लेकर गए। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं।
बरेली के जल निगम कार्यालय में तैनात कर्मचारी का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारी का शव जल निगम के कार्यालय में ही मिला था। कर्मचारी की मौत गोली लगने से हुई। मामले में मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जल निगम के अधिकारी से खुदकुशी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बरेली की तस्वीरें जहां पर जल निगम कर्मचारी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जल निगम कार्यालय में कर्मचारी का शव मिला, वहीं वहां के कर्मचारियों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। तो बरेली की तस्वीरें जहां पर जल निगम कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जल निगम कार्यालय में ही कर्मचारी का शव मिला और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन जो जल निगम के अधिकारी हैं जो वहां पर काम करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्चुअली जिनकी अभी अपने आप को जिन्होंने शूट करा है, वो हमारे यहाँ पर नियमित कर्मचारी फील्ड जूनियर फिटर के पद पे यहाँ पर कार्यरत थे। क्योंकि लगभग शायद 14-15 के आसपास की बात है, 2014-15 या उस समय के आसपास की बात है शायद, तब उनके पैर कट गए थे, तो तब से वो मतलब विकलांग हैं। क्योंकि वो फील्ड वाले स्टाफ है हमारा, तो फील्ड वाला स्टाफ जो है कि वो फील्ड में काम करने लायक तो थे नहीं, इस वजह से हमने काफ़ी समय से उनको यहाँ पर लैब पे लगा रखा था। अपने यहाँ पर हमारी अपनी लैब है वाटर टेस्टिंग की, उस लैब पे लगा रखा था। अब जहाँ तक उनके आने का प्रश्न है कि वो क्यों आए यहाँ पर, ये जैसे मुझे बताया जा रहा है कि मेरे से मिलने आए थे, तो ये तो एक लाजमी सी बात है कि भाई यहाँ का मैं मुखिया हूँ तो मेरे से मिलने किसी भी टाइप पे कोई आ सकता है। लेकिन वो मेरे पास ना आकर उन्होंने वहाँ ये जो घटना घटी, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसके विषय में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। मामला किसी प्रकार का था ही नहीं। इनके ऑफिस में किससे बहुत रेशन चल रही थी ये सब जानकारी बच्चों को मालूम है। मैं रहता हूँ सीबीगंज, किससे बहुत रेशन थी, किससे क्या था, किससे झगड़ा था, ये जानकारी नहीं। लेकिन ऑफिस में किसने गोली मारी है ये हमको अभी जानकारी नहीं हुई है। ये आप वहाँ पर आए थे, आपने अगर थोड़ा सा घना गमी पत्थर से भी और जय गिरी भी आपने बोला कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किस बिना पर आपने बोला? हमने इसी बिना पे किया कि हम नहीं आए तब तक आपने बॉडी स्पॉट से कहाँ उठाई, जगह से उठाई क्यों, हमें दिखाओ, इसलिए इंस्पेक्टर से घना गमी हुई। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने स्ट्रीट शूटर स्नेचर समेत रिसीवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार स्ट्रीट क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बाहरी जिले के डीसीपी परविंदर सिंह ने जिले के सभी थानों को अलर्ट पर रहने और स्नेचरों पर नजर रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 4 सितम्बर को मिलन अपार्टमेंट के पास एक स्नेचिंग की PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ऋषभ ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ मिलन अपार्टमेंट के पास से पैदल जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति पल्सर बाइक पर सोने की चेन छीनकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।